स्टूडेंट ऑफ सेवन क्लास एंड वेलकम बैक टू यू ऑन स्टडी प्लेटफॉर्म। आई एम बैक विद एन अदर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो लास्ट वीडियो में हमने द स्टोरी ऑफ इन्विटेशन की हाफ यूनिट की रीडिंग की थी। आज हम उसका पार्ट टू कर रही हैं, यानी कि नेक्स्ट हाफ पार्ट की रीडिंग। और इसके साथ साथ हम अपनी नोटबुक पे सारे न्यू वर्ड्स जो कि हमने इसमें सीखे थे उनके मीनिंग्स लिखेंगे और उनमें से ही कुछ सेलेक्ट करके उनके सेंटेंसेस बनाएंगे। सो आर यू रेडी? सो लेट्स स्टार्ट। हमने कहाँ तक कल रीडिंग की थी? हमने की थी कि बर्था ग्रेस के फेस की तरफ देख के कहती है कि उसका फेस जो है वो किस तरह से हो गया हुआ है ये सारी उदासी के बाद। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। आई बिलीव शी कुड नॉट स्टैंड टू मंथ्स एंड क्लार्क्समैन, थॉट बर्था। बर्था सोचती है कि दो महीने जो है वो काम नहीं कर सकती क्लार्कमैन स्टोर पे। इफ़ आई वर नॉट गोइंग टू आंट मैग, आई वुड आस्क हर टू गो होम विद मी। अगर मैं आंट मैग की तरफ ना जा रही होती तो मैं उसको अपने साथ घर ले जाती। और इवन इफ आंट मैग हैड अ रूम फॉर अनदर गेस्ट, आई जस्ट राइट हर ऑल अबाउट ग्रेस एंड आई आस्क इफ आई कुड ब्रिंग हर विद मी। लेकिन और अगर आंट मैग के पास एक और कमरा होता है एक और गेस्ट के लिए, तो मैं ग्रेस के बारे में सारा कुछ आंट को बताती। आंट मैग वुड अंडरस्टैंड, आंट मैग समझती एंड शी ऑलवेज अंडरस्टैंड, क्योंकि वो हमेशा समझती हैं। बट शी हैज़न्ट, सो इट कांट बी। लेकिन उनके पास कोई और एक्स्ट्रा रूम नहीं है, सो ये पॉसिबल नहीं है। जस्ट देन अ थॉट डार्टेड इनटू बर्थास ब्रेन, फिर अचानक बर्था के दिमाग में एक सोच आती है। What nonsense, she said aloud so suddenly and forcefully that Grace fairly jumped. What is? अच्छा, अब बर्था जो है वो इतनी ऊंची आवाज़ में बोलती है कि कितनी अजीब बात है। और इतनी वो ऊंची आवाज़ में बोलती है कि ग्रेस जो है वो खौफ से जंप करके बोलती है कि क्या हुआ। ओह नथिंग मच, सेड बर्था गेटिंग अप ब्रिस्कली। बर्था तेज़ी से उठते हुए कहती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। सी हेयर, आई एम गोइंग टू गेट टू वर्क, आई हैव वेस्टेड इनफ टाइम, मैं काम करने लगी हूँ, मैंने अपना वक्त बहुत ज़ाया कर लिया है। शी कर्ल्ड हरसेल्फ अप ऑन द दीवान एंड ट्राई टू स्टडी हर सीनियर इंग्लिश। फिर वो दीवान पर बैठती है और अपनी इंग्लिश जो है की रीडिंग स्टार्ट करती है। But her thoughts wandered hopelessly and finally she gave it up in despair and went to bed. लेकिन उसकी जो सोचें होती हैं वो उसके दिमाग में मंडला रही होती हैं, फिर वो एकदम से उठती है और अपने बेड पर चली जाती है। There she could not sleep, she lay awake and wrestled with herself. लेट तो वो जाती है लेकिन उसको नींद नहीं आती, वो बस लेटी रहती है, जाग रही होती है और अपने आप में ही वो सोच रही होती है। इट वॉज आफ्टर मिड नाइट वेन शी सेट अप इन बेड एंड सेट सॉन्ली आई विल डू इट। अच्छा जी, फिर वो आधी रात को उठ के बैठ जाती है और अपने आप में सोचने लगती है कि नहीं मैं ऐसा करूँगी। यानी वो ग्रेस के लिए प्लान कर रही होती है कि मैं इसके लिए कोई अच्छा प्लान बना लूँ कि इसको क्लार्कमैन स्टोर पर दो महीने काम ना करना पड़े। नेक्स्ट डे बर्था रोट अ कॉन्फिडेंशियल लेटर टू आंट मैग, शी थैंक्ड हर फॉर हर इनविटेशन एंड देन टोल्ड हर ऑल अबाउट ग्रेस। फिर नेक्स्ट डे बर्था जो है वो अपनी आंट मैग को लेटर लिखते हैं जिसमें सबसे पहले तो वो उनका शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने उसे इन्वाइट किया, और फिर वो ग्रेस के बारे में सारा कुछ उस लेटर में लिख देती है। एंड वट आई वॉन्ट टू आस्क आंट मैग इज दैट यू विल लेट मी ट्रांसफर माई इन्विटेशन टू ग्रेस एंड आस्क हर टू गो टू रिवर्सडेल दिस समर इन माई प्लेस, डोंट थिंक मी अनग्रेटफुल। फिर वो लेटर में लिखती हैं आंट मैग, अगर आप मेरा इनविटेशन ग्रेस को ट्रांसफ़र कर दें और मेरी जगह पर गर्मियों में जो है उसको अपने पास रिवर्स डेल बुला लें और मतलब बुरा ना मनाइएगा मेरी बात का। यानी वो अपनी जगह पर ग्रेस को भेजना चाह रही होती है। नो आई एम श्योर यू वॉन्ट, मुझे यकीन है कि आप नहीं मनाएंगी। यू ऑलवेज अंडरस्टैंड थिंग, आप हमेशा चीज़ों को समझती हैं। बट यू कांट हैव अस बोथ, लेकिन हाँ हम दोनों आपके पास नहीं आ सकते। एंड आई रेदर ग्रेस शुड गो, और मैं चाहती हूँ कि ग्रेस मेरी जगह जाए। इट विल डू हर सो मच गुड एंड आई हैव अ लवली होम ऑफ माई ओन टू गो टू। मैं चाहती हूँ कि वो आपके पास आए, उसके लिए बहुत अच्छा होगा और मैं अपने प्यारे घर चली जाऊँगी।
एंड शी हैज़ नन, क्योंकि उसका कोई घर नहीं है। ये यूनिट पेज नंबर 33 की रीडिंग कंप्लीट हो गई। अब हम पेज नंबर 34 पर आते हैं। Aunt Meg understood as usual and was perfectly willing, so she wrote to Bertha and enclosed a note to of invitation for Grace. Aunt Meg हमेशा की तरह समझ जाती हैं और वो ये सारा कुछ करने के लिए राज़ी हो जाती हैं, तो वो Bertha को लिखती हैं जिसमें Grace के लिए invitation note होता है। अब वो invitation note क्या है? Bertha बोल रही है अब, I shall have to manage this affair very carefully, reflected Bertha. Bertha अपने आप में सोच रही है कि मुझे ये काम जो है ना बड़े अच्छे तरीके से बड़ी एहतियात के साथ करना पड़ेगा. Grace must never suspect it that I did it on purpose. Grace को कभी नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने किया है. I will tell her that circumstances have prevented me from accepting Aunt Meg's invitation. मैं उसको कोई बहाना बना दूंगी कि किन हालात ने मैं Aunt Meg का accept नहीं कर सकती invitation. That is true enough. No need to say that the circumstances are hers and mine. And I'll say I just asked Aunt Meg to invite her in my place and that she has done so. मैं उसको सिंपल बता दूंगी कि कोई सर्कमस्टांसेस नहीं थे, आंट मैग ने मेरी जगह तुम्हें बुला लिया। व्हेन ग्रेस केम होम फ्रॉम हर हिस्ट्री एग्जामिनेशन दैट डे, Bertha टोल्ड हर द स्टोरी एंड गेव हर आंट मैग्स कॉर्डियल नोट। जब ग्रेस अपना हिस्ट्री का पेपर दे के घर आती है तो Bertha उसको वो नोट देती है जो कि आंट मैग ने उसके लिए भेजा होता है। यू मस्ट कम टू मी इन Bertha's प्लेस, रोट द लेटर। आई फील एज इफ आई न्यू यू फ्रॉम हर लेटर्स एंड आई विल कंसिडर यू एज अ सॉर्ट ऑफ ऑनरेरी नीस एंड आई विल ट्रीट यू एज इफ यू आर Bertha's हरसेल्फ। अच्छा, जिसमें आंट क्या लिखती हैं कि तुम जो है Bertha की जगह पे मेरे पास आ जाओ, वो अक्सर लेटर में तुम्हारा जिक्र करती रहती है, तुम भी मेरी तरह मेरी भांजियों की तरह होगी और मैं बिल्कुल Bertha की तरह तुम्हें ट्रीट करूँगी। इज इट स्प्लेंडेड ऑफ आंट मैग, सेड Bertha डिप्लोमेटिकली, ऑफ कोर्स यू विल गो Gracie। Bertha जो है बड़ी ही एक्साइटेड होगी, उससे पूछती है कि आंट मैग कितनी ज़बरदस्त है, कितनी शानदार औरत है, देखो Gracie तुम्हें जाना चाहिए। अब उसको थोड़ा मस्की लगा रही है, थोड़ा बटर लगा रही है, बटरी कर रही है उसको। अच्छा जी, ओ आई डोंट नो, सेड ग्रेस इन बिविल्डरमेंट। यू आर श्योर यू डोंट वॉन्ट टू गो Bertha? अब वो थोड़ी सी कन्फ्यूज हो जाती है। अच्छा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या तुम श्योर हो कि तुम नहीं जा रही Bertha? इन आई डू वॉन्ट टू गो ड्रेडफुली, सेड Bertha फ्रेंकली। Bertha बड़े फ्रेंकी अंदाज में उसको कहती है कि हाँ शायद मैं चली भी जाती, बट एज आई टोल्ड यू, लेकिन जैसे मैंने तुम्हें बताया है, इट इज़ इम्पॉसिबल। If I am disappointed, Aunt Meg mustn't have you have go, you must go Grace, and that is all there is about it. अच्छा, वो कहती है कि मैं उन्हें disappoint नहीं करना चाहती, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए Grace, मैं बस इतना ही कहूँगी। In that end, Grace did go, a little puzzled and doubtful still, but thankful beyond words to escape the drudgery of the counter and the noise and heat of the city. Bertha went home feeling a bit blue in secret, it cannot be denied, but also feeling quite sure that if she had to do it all over again, she would go just the same. अच्छा जी, एंड पे क्या होता है कि ग्रेस जो होती है वो जाती है, वो थोड़ा सा पजल होती है, थोड़ी डाउटफुल होती है कि मेरा टाइम कैसे गुजरेगा, लेकिन थोड़ी सी थैंकफुल भी होती है कि उसका टाइम थोड़ा सा अच्छा गुजर जाएगा। लेकिन वो नई जगह को, नई शहर को देखकर, उसके शोर को देखकर थोड़ा सा घबरा जाती है, जबकि Bertha जो है वो अपने घर जाती है, उसकी भी सेम सिचुएशन होती है, लेकिन क्योंकि जाहिर है वो अपने घर में होती है तो उसे बार बार आना अच्छा लगता है। The summer slipped quickly by and finally two letters came to Bertha. कहते समर आहिस्ता आहिस्ता जब वो गुजर रहा होता है, दो लेटर Bertha रिसीव करती है, वन फ्रॉम आंट मैग, वन फ्रॉम ग्रेस। एक आंट मैग की तरफ से लेटर उसको आते है, एक ग्रेस की तरफ से आता है। आई हैव अ लवली टाइम, रोट द लेटर, एंड ओह बर्टी, व्हाट डू यू थिंक, आई एम टू स्टे हेयर ऑलवेज, ओह ऑफ कोर्स आई एम गोइंग बैक टू स्कूल नेक्स्ट मंथ, बट दिस इज to be my home after this. Aunt Meg, she makes me call her that, says I must stay with her for good. अब ग्रेस जो है वो उसको लेटर में क्या लिखती है कि मैं यहाँ पर, मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा है Bertie, तुम्हारा क्या ख्याल है,
मैं यहाँ पर हमेशा रहना चाहती हूँ, बट नेक्स्ट मंथ जो है वो स्कूल खुल रहे हैं तो मुझे जो है वो वापस आना पड़ेगा, और मैं चाहती हूँ कि मैं आंट मैं के साथ हमेशा रहूँ, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ट्रीट किया है, ठीक है। जबकि आंट मैं लेटर में क्या लिखती हैं, ग्रेस इज़ राइटिंग टू यू एंड विल हैव टोल्ड यू दैट आई इंटेंड टू कीप हर ईयर हेयर, you know I have always wanted a daughter of my own but my greedy brothers and sister would never give me one of theirs so I intend to adopt Grace. अब आन मैं क्या लिखती हैं कि मैं ग्रेस ने तुम्हें लेटर में लिखा होगा कि मैं उसे अपने पास रखना चाहती हूँ, तुम्हें पता है मुझे हमेशा से एक बेटी की विश थी, मैं चाहती थी मेरी कोई बेटी हो, लेकिन मेरे लालची भाइयों ने बहनों ने मुझे कभी अपना कोई मतलब कभी अपनी औलाद के साथ मुझे खेलने नहीं दिया, तो मैं चाहती हूँ मैं ग्रेस को अडॉप्ट कर लूँ। शी इज़ द स्वीटेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, वो दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर सेंडिंग हर हेयर, और मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने उसे यहाँ भेजा। यू विल नॉट नो हर वैन यू सी हर, वैन यू सी हर शी हैज़ ग्रोन प्लम्प एंड रोजी, तुम्हें अब उससे मिलकर बहुत हैरानी होगी क्योंकि वो बहुत अब चबी, बहुत प्यारी सी और बहुत पिंकी पिंकी, यानी उसका फेस अब ग्लो करने लग गया है। बर्था फोल्डेड हर लेटर्स अप विद द स्माइल, बर्था जो है वो अपने लेटर्स को एक स्माइल के साथ फोल्ड करती है, बंद करती है। आई हैव अ वेग डिलाइटफुल फीलिंग, मेरी बहुत ही खुशी और मेरा अंदाज़ा है दैट आई एम द गुड एंजल इन द स्टोरी बुक शी सेड, फिर वो अपने आप को कहती है कि इस स्टोरी बुक में मैं बिल्कुल एक बहुत अच्छे एंजल की तरह हूँ, यानी कि उसने आन मैक को और ग्रेस को आपस में मिला के बहुत अच्छा काम किया है, और वो अपने पे जो है वो थोड़ी सी प्राउड होती है। तो स्टूडेंट ये थी हमारे यूनिट नंबर 3 द स्टोरी ऑफ इनविटेशन की रीडिंग जो कि हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम नोटबुक पे इसके वर्ड मीनिंग्स और वर्ड सेंटेंसेस राइट डाउन करते हैं। So here we have the new words that we have read in this the story of invitation, that is our unit number 3. So we have the first word bankrupt. Bankrupt means diwalia. Ho jana means ke paison ka bilkul khatam ho jana, ek kodi bhi aapke paas na bachna. नेक्स्ट है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मैंने आपको बताया था तकसीम इस्नात की तकरीब, ऐसा ओकेजन, ऐसा फंक्शन जिसमें सक्सेसफुल स्टूडेंट को जो है वो प्राइजेस दिए जाते हैं, उनकी डिग्री दी जाती है। थर्ड है ड्रडग्री। ड्रडग्री मीन मुशक्कत करना, मेहनत करना, सफ़र करना, ठीक है। गैलोर। गैलोर मीन बहुत ज़्यादा, लार्ज इन क्वान्टिटी, बल्क में किसी चीज़ का मौजूद होना। नेक्स्ट है वेग। वेग का मतलब है ख्याली, मबहम, फर्जी, यानी कि आप रफली आइडिया जब किसी चीज़ के बारे में लगाते हो, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिस्कली। ब्रिस्कली मीन तेज़ी से, मूव्ड हरिडली, डू समथिंग हरिडली, स्पीडली, कोई भी काम जल्दी से करना, तेज़ी से करना, कहीं जाना बहुत स्पीड के साथ, उसके लिए हम ब्रिस्कली का वर्ड भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कंडेम्ड। कंडेम्ड भी मजम्मत करना, यानी कि एक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, यानी कि जब आपको कोई चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसके खिलाफ जब आप बोलते हो। उसके बाद है ग्रेव। ग्रेव का मतलब होता है संजीदा, ग्लूम, यानी कि सीरियस होकर, सेंसिटिव होकर किसी चीज़ के बारे में आप सोचना। नेक्स्ट है मॉर्निंग। मॉर्निंग मीन मातम करना, यानी कि किसी भी मरे हुए इंसान के लिए दुख अफसोस का जो एक एलिमेंट होता है। उसके बाद है विस्टफुली। विस्टफुली का मतलब होता है हसरत भरा, यानी कि आपके दिल में जब किसी चीज़ की कोई विश होती है और आप किसी के पास उस चीज़ को देखते हो तो जो आपकी उस टाइम फीलिंग होती है उसको इंग्लिश में विस्टफुली कहते हैं। लास्ट टाइम आपके पास इंटेंट। इंटेंट का मतलब होता है इरादा करना, यानी कि कोई काम करने का जब आप एक अज़म ले लेते हो, ठीक है, आप थोड़ा सा अपने आप को वार्म अप करते हो कि ये आपने काम करना ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। फर्स्ट है हमारे पास मॉर्निंग। मॉर्निंग का हमने मतलब पढ़ा है यहाँ पे मातम, यानी कि उदास होना, दुख, तकलीफ, रंज, परेशानी में होना, ठीक है। ग्रेस वाज ड्रेस्ड इन मॉर्निंग। ग्रेस ने मातम ज़्यादा लिबास पहना हुआ था, यानी कि उसकी ड्रेसिंग बहुत ही ज़्यादा उदासी वाली थी। सेकेंड है फिटिंगली। फिटिंगली का मतलब होता है बड़े ज़बरदस्त तरीके से, शहाना अंदाज से। आई सेलिब्रेट माई बर्थडे फिटिंगली, मैं अपनी बर्थडे बहुत अच्छे अंदाज में सेलिब्रेट करती हूँ। नेक्स्ट है विस्टफुली। विस्टफुली का हमने मतलब पढ़ा हसरत भरा।
शी वेंट टू स्कूल विस्टफुली आफ्टर हर मदर्स डेथ. वो अपनी मदर की डेथ के बाद बहुत ही हसरत भरे अंदाज में स्कूल जाती है. जैसे कि आपको पता है कि ऐसे बच्चे जो हैं वो स्कूल जाना पसंद नहीं करते क्योंकि सारे पेरेंट्स या मदर उनको छोड़ने आती हैं, जबकि उसकी जो मदर की डेथ हो गई थी तो इसलिए वो थोड़ी सी उदास थी. अच्छा जी, नेक्स्ट है डार्टेड. डार्टेड का मतलब होता है आमिद होना, एकदम से सडन अपीयर आपके माइंड में किसी भी थॉट की होना. ठीक है, अ थॉट डार्टेड इनटू आयशाज ब्रेन. एक सोच जो है वो बहुत ही जल्दी के साथ आयशा के दिमाग में आई. ठीक है, लास्ट वर्ड है हमारे पास सॉलेमली. सॉलेमली का मतलब होता है बहुत ही संजीदगी के साथ मोटिवेट करना अपने आप को. आई प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम सॉलेमली, मैंने ये बहुत सीरियसली अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी की. सो हेयर वी हैव कम्प्लीटेड द पार्ट टू रीडिंग ऑफ यूनिट नंबर 3 एंड इट्स वर्ड मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस एज वेल. आई होप आपको इनके अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी. रीडिंग को अच्छे से आपने करेक्ट प्रोनंसिएशन के साथ रीड करना है. इसके अलावा अपनी नोटबुक पे नीट हैंड राइटिंग के साथ वर्ड मीनिंग्स और वर्ड सेंटेंसेस को भी राइट डाउन कर लेना है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर राइट डाउन करेंगे. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.